हेल्थ साइकोलॉजी मुख्य फोकस करता है उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर जो हमारे डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं या हमें किस तरह से परेशान करते हैं, बीमार रखते हैं। तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब दिमाग में जो चीज़ें फैक्टर हैं, एक्चुअली हम बीमार नहीं होते पर दिमाग के रूप में हमें उस चीज़ों को बना लेते हैं या वो चीज़ें होती हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी इस चीज़ को सॉर्ट आउट करती है। हेल्थ साइकोलॉजी फोकस करता है ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इलनेस। बीमारियों में इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि आपको बीमारी ऐसे ठीक की जा सकती है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर द हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर स्ट्रेस एंड कॉपिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हेल्थ प्रमोटिंग हेल्थ एंड इनहांसिंग फैक्टर। मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये मेनली फोकस करते हैं स्ट्रेस पर, उसे कैसे कोप कर सकते हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो या जो आपके अगेंस्ट काम करें उन्हें हटा सकते हो आपको हेल्थ को प्रमोट करने में, और जो प्रमोट करने हेल्थ को बढ़ाने में या हेल्थ को सुधारने में जो फैक्टर काम करेंगे उनके ऊपर ये कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये हेल्थ साइकोलॉजी है।